बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है। तो मैप में आपको नजर आ रहा होगा यूरोप। तो यूरोप के साथ आप देखें इधर एशिया जुड़ा हुआ है। ये सारे का सारा हमारे पास क्या है बेटा, एशिया है। और ये वाला जो पोर्शन है सारा यूरोप का है। तो यूरोप और एशिया मिलकर बना देती है यूरेशिया। कुछ जोग्राफिया दान इसे एक ही मानते हैं कि ये सारा एक ही कॉन्टिनेंट है, एशिया और यूरोप। तो यूरोप और एशिया मिले हुए हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूरेशिया बनाते हैं। यूरेशिया याद रखेंगे आप, जो टर्म यूज की जाती है उसका मतलब है यूरोप प्लस एशिया। अब ये जो कंट्री सर आपको नजर आ रहा है ये रशिया है। रशिया का 25% हिस्सा जो है वो यूरोप में है, बाकी सारे का सारा एशिया में है 75%। तो आप ये देखिए जो मैंने ये लाइन लगाई है, ये हमारे पास तकरीबन यूराल माउंटेन्स बनती हैं। तो इसके इधर वाला जो पोर्शन है सारे का सारा ये जो है ना हमारे पास यूरोप का हिस्सा है, और बाकी जो हिस्सा है वो सारे का सारा एशिया में है रशिया का। रशिया दो कॉन्टिनेंट में आप इस तरह से कह सकते हैं। ये हमारे पास ब्लैक सी है, ये हमारे पास ब्लैक सी है। डायरेक्शन निकालना तो अब आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट के लिए निकाल रहे हैं हम। सामने हमेशा हमारे क्या होता है बेटा, नॉर्थ होता है, बैक साइड पे हमारे क्या होता है बेटा, साउथ होता है। और फिर हम वही लिखते हैं जिस साइड पे डब्ल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। और जिस साइड पे ई होता है वो हमारा क्या होगा बेटा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट में तो कोई समंदर नहीं लगता यूरोप को, आप याद रखेंगे। नॉर्थ में यहाँ पर हमारे पास बनेगा आर्कटिक ओशन। नॉर्थ में यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, यूरोप के साउथ में ये सारे का सारा मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी है जो कि हिस्सा है किसका, अटलांटिक ओशन का। वेस्ट में हमारे पास अटलांटिक ओशन है, यूरोप के वेस्ट में बहरे जुलमात अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानूस है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, और साउथ में हमारे पास मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा। ये ब्लैक सी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी भी सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। आप ऐसे कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली ब्लैक सी से होते हुए ऐसे निकल जाता है। ये देखें ये जो हिस्सा है, ये सारी की सारी जो मैंने लाइन लगाई है, इसके नीचे हमारे पास एशिया है, इसके ऊपर यूरोप है। तो आप कह सकते हैं कि यूराल माउंटेन डिवाइड करती है एशिया को यूरोप से, ब्लैक सी डिवाइड करता है एशिया को यूरोप से, और यहां से हमारे पास नीचे मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के बाद हमारे पास अफ्रीका है। तो यूरोप के साउथ में अफ्रीका, यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में हमारे पास अटलांटिक ओशन, और साउथ में मेडिटेरियन सी हो जाएगा। ये थोड़ी सी ज्योग्राफिकली आपको समझ आ गई है। देखें ये यहाँ पे हमारे पास एक सी है, याद रखिएगा इस सी के बारे में वो पूछता है सवाल। ये जो सी है बेटा, इसका नाम है हमारे पास बाल्टिक सी। बाल्टी से याद रखेंगे आप, बाल्टिक सी, बाल्टी से याद रखेंगे। बाल्टी छोटी सी होती है आपको पता है। तो दुनिया का सबसे छोटा जो सी है हमारे पास वो कौन सा है, बाल्टिक सी है। बाल्टी से याद रखेंगे आप, स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड बाल्टिक सी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन कंट्रीज भी हैं जिन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, वो भी ये पूछ लेता है सवाल। एस्टोनिया है, लेटविया और लिथुआनिया है। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे बाल्टिक सी है, ये हमारे पास नॉर्थ सी है, ये हमारे पास नॉर्थ सी है। अब ये हमारे पास बेटा फ्रांस है, देखें फ्रांस, और ये ऊपर है हमारे पास यूके। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है, ये अलग से मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो बनेगा एक ऐसे स्ट्रेट बनेगी यहाँ पे हमारे पास, और एक चैनल बनेगा। स्ट्रेट बड़ी होकर चैनल बना देती है। स्ट्रेट पानी की तंग पट्टी होती है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट बनेगी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में, उसका नाम है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट सेपरेट करती है यूके को किससे, फ्रांस से। और फिर यहां पे हमारे पास बनता है चैनल जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल भी सेपरेट करता है फ्रांस को यूके से, फ्रांस को बर्तानिया से। तो स्ट्रेट बड़ी होकर क्या बना देती है, चैनल बना देती है। याद रखिएगा यहीं पर हमने चैनल, इंग्लिश चैनल, इसका नाम है इंग्लिश चैनल, फ्रांस और यूके के दरमियान में है। और डोवर स्ट्रेट भी फ्रांस और यूके के दरमियान में है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए फ्रांस के साथ ये हमारे पास स्पेन है, इसे हम स्पानिया कहा करते थे। देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा एक बे बन रही है, यहाँ पे हमारे पास एक बे बनती है। बे क्या होती है, गल्फ बड़ी होके बे बना देती है, बे बड़ी होके बाइट बना देती है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ जो बे बनती है उसका नाम है बे ऑफ बिस्के।
तो बे ऑफ बिस्के फ्रांस के और स्पेन के दरमियान में, ये सवाल बनेगा अटलांटा क्वेश्चन में, ओशन पूछेगा तो अटलांटा क्वेश्चन इधर सारे का सारा। फ्रांस और स्पेन के दरमियान में हमारे पास बनेगी बे ऑफ बिस्के बनेगी हमारे पास, यहाँ बिल्कुल स्पेन के साउथ में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्योंकि नीचे मोरक्को है हमारे पास, नीचे हमारे पास मोरक्को है मराकेश, तारिक बिन ज़ियाद यहीं से गए थे, जबल तारिक, यही हमारे पास जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर आपको पता है यूके के अंडर है, यूके के अंडर है जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट भी यहीं पे बनती है, जो कि यूरोप को सेपरेट करती है किससे, अफ्रीका से, बिल्कुल यूरोप के साउथ में है ये। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा कुछ पेनिनसुला बनते हैं ना यूरोप में, देखिए जिस तरह ये पेनिनसुला हमारे पास है ये वाला, इसमें हमारे पास तीन मुल्क हैं बेसिक, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीन कंट्रीज हैं हमारे पास यहाँ बेसिकली। तो इन तीनों कंट्रीज को हम क्या कहेंगे बेटा, ये जो ये पेनिनसुला बना, इस पेनिनसुला को हमने क्या कहा, इस पेनिनसुला को हम कहेंगे बेटा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पेनिनसुला जमीन की ऐसी शेप होती है जिसके तीन साइडों में पानी होता है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में तीन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड जो अभी नेटो का मेंबर बना है, ये हमारे पास नॉर्वे है और ये स्वीडन है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में हमारे पास तीन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर हमारे पास ये देखेंगे जो पेनिनसुला है हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, आइबेरियन पेनिनसुला कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम, आइबेरियन पेनिनसुला, इसके भी तीन साइडों में पानी है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में हमारे पास यहाँ पे पुर्तगाल है और स्पेन है, मेन कंट्री हमारे पास इसमें पुर्तगाल और स्पेन, दो मुल्क है आइबेरियन पेनिनसुला में। उसके बाद ये देखिए बूट की तरह का एक कंट्री है यहाँ पे हमारे पास, जिस तरह मैप में किसी ने बूट बनाया हुआ हो, तो बूट शेप पेनिनसुला इसे कहेंगे या टैलक पेनिनसुला कहेंगे, बूट ऑफ द यूरोप भी कहेंगे, यूरोप का बूट भी इसे कहेंगे। इस तरह इसमें एक ही मुल्क है इटली हमारे पास, इटली से या टैलक पेनिनसुला इसे कहेंगे। इटली का कैपिटल आपको पता है रोम है, रोम में वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री, कंट्री के अंदर कंट्री है ये, रोम के अंदर, जहाँ पे पोप रहते हैं, पोप फ्रांसिस रहता है, क्या नाम है पोप फ्रांसिस का जो इस वक्त है, उसका नाम है जी हमारे पास मारियो बर्गिग्लो, अर्जेंटीना से उसका ताल्लुक है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन है, इसके बारे में सवाल आता है। फिर ये एक और पेनिनसुला बनता है इसे देखिए, तो ये जो पेनिनसुला है हमारे पास इसे कहते हैं हम बाल्कन पेनिनसुला। तो बाल्कन पेनिनसुला का मेन कंट्री हमारे पास ये ग्रीस से है, ग्रीक जिसे हम कहते हैं ग्रीस या ग्रीक कहने इसे आप, तो ये हमारे पास है बेटा कंट्री यहाँ पे हमारे पास। इसी के साथ ही हमारे पास मैसेडोनिया है, मकदोनिया, जहाँ से सिकंदर आजम आया था। ग्रीस आपको बताया कि ये वो कंट्री है जहाँ से ओलंपिक्स शुरू हुई थी, ओलंपिया नामी एक पहाड़ है जहाँ पे जो है ना ज्यूस साहब के बारे में आता है कि वो रहते थे कभी, और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नाम पे मेला लगता था यहाँ इसमें ग्रीस में, और बाद में फिर वही ओलंपिया पहाड़ से ओलंपिक्स हो गई है। तो इस तरह से बेटा आपको उम्मीद करता हूँ ज्योग्राफी में समझा पाया हूँ। ये हमारे पास ब्लैक सी है, ये सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। अब ये हमारे पास यूक्रेन है बेटा, जहाँ आजकल जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग आपको पता चल रही है। ये यूक्रेन जो है ना, आप कह सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, किसके रियाज से, रकबे के रियाज से, और जर्मनी, ये जर्मनी है हमारे पास, ये सारा जर्मनी है हमारे पास। तो जर्मनी आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री।